नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान के 10 MCQ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हेमू अथवा हेमचंद हरियाणा के किस शहर के मूल निवासी थे? ठीक है, ऑप्शन है हिसार, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी मेवात। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी रेवाड़ी। हेमू अथवा हेमचंद हरियाणा के किस शहर के मूल निवासी थे? तो रेवाड़ी शहर के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रेवाड़ी शहर के मूल निवासी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उस वीर को सम्मानित किया था जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था? ठीक है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने उस वीर को सम्मानित किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी टेनिस। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए जिम्नास्टिक। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, फाल्गुन की पूर्णमासी खुबडू नामक स्थान पर किसका मेला लगता है? फाल्गुन की पूर्णमासी को खुबडू नामक स्थान पर किसका मेला लगता है? ऑप्शन ए सात कुंभा, ऑप्शन बी मेला देवी, ऑप्शन सी मेला बाबा समक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेला बाबा समक्षा। ओके, मेला बाबा समक्षा फाल्गुन की पूर्णमासी को खुबडू नामक स्थान पर मेला बाबा समक्षा का मेला लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है? ओके, ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कुश्ती। तो हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुश्ती। हरियाणा राज्य का राजकीय खेल है कुश्ती। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। हाँ, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए
जेके बिरला, ऑप्शन बी बाबा तारकनाथ, ऑप्शन सी बाबा सर्वनाथ, ऑप्शन डी बाबा शिवगिरी। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबा सर्वनाथ। बाबा सर्वनाथ ने कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बाबा सर्वनाथ। ओके, अगला क्वेश्चन, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? ओके, ऑप्शन ए खुदा बख्श अहमद ने, ऑप्शन बी मोहम्मद अफजल ने, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद ने, ऑप्शन डी गुलाम नलिनी ने। ओके, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है? ठीक है, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है। ऑप्शन सी साक्षी मलिक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को प्रशासनिक रूप से 4 खंडों में बांटा हुआ है, इनमें से कौन सा खंड हरियाणा में नहीं है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी गुड़गांव या गुरुग्राम, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी अंबाला। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन ए पानीपत। हरियाणा को प्रशासनिक रूप से 4 खंडों में बांटा गया है, पानीपत हरियाणा में नहीं है। ओके, चलिए ऑप्शन ए पानीपत करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत का कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को दी जाती है? ओके, ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.5%। ठीक है, भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत का 3.5% बिजली चंडीगढ़ को दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।